फर्स्ट में मैं यहाँ का ग्राम प्रधान चुना गया अपने गांव का। दो पंचवर्षीय में ग्राम प्रधान रहा यहाँ पे। इसके बाद मैं जिला पंचायत सदस्य हुआ। मेरा छोटा भाई भी ग्राम प्रधान रहा बगल के गांव से, बीटी से भी निर्विरोध ग्राम प्रधान रहा वो। अब मेरी बहू जिला पंचायत सदस्य है इस समय, वर्तमान समय में भी। छोटा भाई मेरा ग्राम प्रधान है निर्विरोध यहाँ का, ग्राम बिकरू का। और मेरी पारिवारिक पशु, मेरे बाबा भी यहाँ के जमींदार भी थे और ग्राम प्रधान भी थे बाद में हुए। मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि ही राजनीतिक है, तो राजनीतिक पृष्ठभूमि तो मेरी पारिवारिक है। मेरी पैदाइशी कही है तो आप पैदाइशी है। विकास दुबे जी, किस तरह से आपको कहा जाता है कि आप अपराध में डॉन नाम से बोला जाता है कि आप माफिया हैं, डॉन हैं, और लेकिन आपका राजनीतिक करियर है, क्या है बेसिकली हकीकत क्या है? देखिए, एक्चुअल राजनीति में लाने का श्रेय, मैंने ग्रेजुएशन मैंने पढ़ाई में ग्रेजुएशन किया है मैंने, और मैं अच्छा स्कॉलर रहा हूँ अपने टाइम का। राजनीति में लाने का श्रेय मुझे स्वर्गीय हरिकृष्ण श्रीवास्तव जी का है, जो मेरे राजनीतिक गुरु थे और उत्तर प्रदेश के कई बार मिनिस्टर रहे और उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे वो। उन्होंने मुझे राजनीति में लाने का प्रयास किया और उन्हीं के प्रयास से मैं राजनीति में आया। और जिस दिन से मैं राजनीति में आया तो लोगों को मेरे प्रभाव से और मेरी लोकप्रियता से ज्वलसी होने लगी। आज तक कोई भी ऐसा मामला नहीं है जिसको मैंने अपने हाथ से मैंने कोई अपराध किया हो या मैंने कोई अपराध को बढ़ावा दिया हो। अपराध से मेरा कोई दूर दूर से रिश्ता नहीं है। मेरी राजनीतिक वर्चस्व की जंग है जो मेरे जिंदगी तक और मेरे मरते दम तक जारी रहेगी। लेकिन इस राजनीतिक वर्चस्व की जंग में बम, गोली और हत्या ये सब चलता नहीं है? ऐसा नहीं है हमारे यहाँ। हमारी राजनीतिक जंग में कभी भी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि मैंने किसी को मरवाया हो या किसी को मारा हो या किसी को मारने के लिए प्रेरित किया हो। किसी के ऊपर आरोप लगा देना, आप तो समझते हैं कि उत्तर प्रदेश में होता क्या है कि मर्डर कहीं होता है, फंसाए कई लोग जाते हैं, मर्डर कोई करता है, उसके भाई, उसके खानदान, उसके परिवार, उसके सब सारे लोगों को फंसाया जाता है। ये एक उत्तर प्रदेश की एक ये ट्रेंड बन गया है लोगों का राजनीति में फंसाने का। श्रम राज्य मंत्री संतोष शुक्ला का हत्या का आपके ऊपर आरोप लगा, उस वक्त आप कहाँ थे, क्या वो हत्या आपने की? जी नहीं, जिस दिन उनकी हत्या हुई थी उस समय मैं थाने में अपनी FIR लिखाने हुए गया हुआ था। हेलो, मेरे ऊपर अटैक हुआ था। उसके बाद मैं जब वहाँ से चला आया, जब अपने ऊपर अटैक किया मेरे ऊपर, मैं उस दिन कानपुर जा रहा था अपनी पत्नी को लेकर, वो बीमार थी, उनको किडनी पेन था। रास्ते में मेरे ऊपर बम से अटैक किया गया, बम और गोलियाँ चलाई गई मेरी गाड़ी पर। तो मैं उसकी FIR, जब मैंने SP कानपुर देहात को फ़ोन किया कि मेरे ऊपर इस तरीके से घटना हुई, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप वहीं रुकिए, मैं फोर्स भेज रहा हूँ। फोर्स मुझको वहाँ से लेके आया, मैंने थाने में FIR लिखाई और मैं चला आया। इसके बाद थाने में जो जिन मंत्री जी का आप नाम ले रहे हैं, वो मंत्री जी किन्हीं कारणों से अपना पहुँचे और उन्होंने किसी तरीके से पुलिस से उलझाव किया। वहाँ लोगों से उनकी कहासुनी हुई, इसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ उससे मेरी जानकारी नहीं है। उनकी हत्या की जानकारी या उनके मरने की जानकारी मुझे लखनऊ में हुई। हत्या के चश्मदीद थे मनोज शुक्ला, जो संतोष शुक्ला मंत्री के भाई थे, उन्होंने आपको देखा था कि आपने गोली मारी है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ये देखिए, इस बात को तो अदालत में इसका ट्रायल हो चुका है मुकदमे का, और अदालत में इस चीज़ साबित हो चुकी है कि मनोज शुक्ला पेशबंदी में उनसे मनोज शुक्ला के साथ जितने उनके गनर, संतोष शुक्ला जी के साथ गनर, शेडो ड्राइवर और उनके प्राइवेट लोग थे, उन्होंने सारे ने गवाही दी कि जिस समय संतोष शुक्ला का मर्डर हुआ उस समय विकास दुबे या जो लोग आरोपित लोग हैं, इनके परिवारजनी, ये लोग मौके पर नहीं थे। इनका नाम पुलिस के कहने पर FIR में लिखाया गया, जैसा पुलिस ने कहा मैंने वैसा FIR में लिखाया। अब वो मुकदमा ट्रायल होने के बाद भी उसमें दोष मुक्त हो चुके हैं सारे लोग, और उस मुकदमे की कार्रवाई सारी जो कुछ थी वो समाप्त हो चुकी है। मैंने अदालत में सरेंडर किया, न्याय में मेरा विश्वास था, मैंने अदालत में सरेंडर किया और उस मुकदमे को फेस किया। सारे ट्रायल को, जितने दिन ट्रायल रहा मैं अंदर रहा, मैंने ट्रायल पे मेरा जब ट्रायल हो गया, मैं समाप्त हुआ, मेरा मुकदमा खत्म हुआ, उस समय मैं जेल के बाहर आया। क्या आप मानते हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी ओपिनियन, आप क्षेत्र में जाइए, हमारे कम से कम विधानसभा, अगर पूरे जिले में नहीं जा पाते हैं तो कम से कम मेरी विधानसभा में जाके और प्रति गांव एक आदमी से सर्वे करिए। खाली विकास दुबे के बारे में व्यक्तिगत है, विकास दुबे का ये काम देखिए, विकास दुबे इस क्षेत्र के सबसे बड़े लैंडलॉर्ड हैं। हमारे पास सारे हैं, मैं स्वयं की खेती कराता हूँ, स्वयं का मेरा व्यापार है, स्वयं का मेरा स्टेट कॉर्पोरेशन का काम है, मेरा आर्थिक भी है। आज तक मैंने कोई आर्थिक ऐसा नहीं कि मैंने कोई आर्थिक अपराध कराया हो, किसी अपराध में संलिप्त रहा हूँ। आरोप लगा देने से ही कोई अपराधी उड़ान नहीं हो जाता है। विकास दुबे के वर्चस्व को कम करने के लिए
ये सारे मुकदमे फर्जी लगाए गए जो कि अदालत में सारे खत्म हो चुके हैं। दो चार मुकदमे अभी ट्रायल पर हैं जिनका मैं फेस कर रहा हूं, और ट्रायल होने के बाद जो भी अदालत निर्णय करेगी उसको मान्य करूंगा। मैं एक चीज जानना चाहता हूं, छात्र जीवन से लेके अब तक आपके ऊपर कितने मुकदमे लगे गए, कितने में आप भरी हुए, कितने अभी आपके ऊपर चल? मेरे हिसाब से 45 मुकदमे आज तक मेरे ऊपर खिलाफ कायम किए गए। किस तरह के? गैंगस्टर के हैं, गुंडा एक्ट के हैं, पुलिस के। अभी अभी आपने बताया सहारनपुर में साहब दिखाया कि साहब वो गैंगस्टर में वहाँ से वांछित थे, तो चूरन नशे का चूरन खा रहे थे। आप जो आदमी अपने पूरी लाइफ में जिसने चाय न पी हो, 22 साल से चाय न पीता हो, उस आदमी को नशे का चूरन खाते हुए बता रहे हैं। ये भी कहा जाता है कि छात्र राजनीति में आप चुनाव लड़वाने का काम करते हैं। यस हाँ। क्या है वो? नहीं, मैं चुनाव लड़वाता था, ये बात सही है। चुनाव में अपने कैंडिडेट लगाता था, अपने कैंडिडेट को सपोर्ट करता था, चुनाव जिताता था। ये आप मान लीजिए कि हो सकता है ये गॉड गिफ्टेड भी रहा हो मेरे साथ, क्योंकि मुझे राजनीति से छात्र जीवन में ही कुछ मेरे अंदर जम्स आ गए थे कि नहीं है, किसी को प्रेसिडेंट बनाना है अपने यार मित्र को, या ये आदमी अच्छा है, इस काबिल है कि इसको प्रेसिडेंट बनाया जाए, इसको महामंत्री बनाया जाए। लेकिन ये भी कहा जाता है कि आप इसी राजनीति से इतने प्रेरित हुए कि आपने संतोष शुक्ला को पीछ थाने में इतने सारे लोगों की भीड़ में मारा जो आप पे आरोप लगे, और आप हाईलाइट होना चाहते थे, इसीलिए आपने ये सब कारनामे किए। ये कहाँ तक सच है? देखिए, ये सब मनगढ़ंत बातें हैं और बेबुनियाद बातें हैं। संतोष शुक्ला की ना तो मैंने हत्या की और ना कभी मैंने उनका हत्या का ख्याल लाया मेरे जीवन में, और मैं भी उनसे जिन लोगों ने हत्या की है उनसे मैं सहमत नहीं हूँ। किन्हीं लोगों ने भी की हो उनकी हत्या, चूंकि राजनीति में वर्चस्व में इतनी है, लेकिन संतोष शुक्ला की छवि चूंकि हमारे यहाँ अच्छी नहीं थी। संतोष शुक्ला के विकास दुबे के कोई दुश्मन नहीं थे। संतोष शुक्ला ने जिन 50 लोगों को, हजारों लोगों को यहाँ जबरिया जेल में बंद कराया फर्जी मुकदमे लगवा के, हो सकता है उन्हीं में से कोई उनका इंटेंशन रहा हो। और इवन यहाँ तक मालूम है कि संतोष शुक्ला के परिवार में खुद संतोष शुक्ला ने 4 मर्डर करा रखे हैं अपने परिवार में। ये शायद आपको जानकारी नहीं होगी, मैं आपको व्यक्तिगत जानकारी बता रहा हूँ। संतोष शुक्ला ने अपने 2 भाइयों और अपने चाचा का मर्डर भी करा रखा है अपने गाँव में, और इनके गाँव के लोग भी इनके विरोधी हैं। वो हमारी विधानसभा के रहने वाले नहीं थे, लेकिन इनके गाँव के, और आज भी उसमें से एक आदमी फरार है, इनकी हत्या के उद्देश्य से फरार हुआ था, रमाकांत शुक्ला, जो इनके परिवार का ही है, ग्राम प्रधान था इनके गांव का, और वो इनकी हत्या के उद्देश्य से कसम खा के ही फरार हुआ था। हो सकता है उसने भी मौके का फायदा उठाया हो। एक चीज और भी है कि जब उनकी हत्या होगी, आप इतने चर्चित हुए, पूरे देश में आपका नाम हुआ, तो उसके बाद आप वसूली का कारोबार करने लगे, आप लोगों को जो है। आज तक कोई ऐसा प्रमाण नहीं है, सरकारी तौर पर या लिखित तौर पर भी ऐसा कोई प्रमाण नहीं है, और विकास दुबे को ऐसी जरूरत भी नहीं है। विकास दुबे को ऊपर वाले ने जो दे रखा है उसमें विकास दुबे संतुष्ट हैं। तो ऐसा क्यों है लोग देखिए, आपको शायद ना लगे आपके इलाके के लोग की पूजा करते? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता आपके नाम से। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि मुझे लोग हैं। मैं तो जिस समय गांव में या क्षेत्र में अपने निकलता हूँ, छोटे छोटे बच्चे भी पंडित जी कह के आगे मेरी गोद में आ जाते हैं, मैं कैसे जानूं कि लोग मुझे खौफाते हैं? और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, खौफ से सिलेक्टेड हुआ जा सकता है, इलेक्टेड नहीं हुआ जा सकता है। इलेक्टेड आदमी वही हो सकता है, और आज तक मैं कभी सेलेक्ट होके कोई मैं नेता नहीं बना, ना मैंने कुछ पाया। आज तक जितने भी इलेक्शन लड़े मैंने पब्लिक इलेक्शन लड़े, और आज के इस दौर में पब्लिक को टेरर में लेना या पब्लिक को टेरर लेके वोट लेना ये संभव नहीं है। तो अभी अभी आप नेक्स्ट क्या करेंगे, एमएलए का चुनाव लड़ेंगे या? नहीं, मेरी आकांक्षा तो यही है कि मैं स्वस्थ हो जाऊं जल्दी, और स्वस्थ होने के बाद मेरी भी है, मेरे हाई कमान से मुझे निर्देश भी है कि जितनी जल्दी स्वस्थ हो जाए, आपको इलेक्शन लड़ना है, आप जिस समय स्वस्थ हो जाएं हाईकमान रिपोर्ट करिए, आपको क्षेत्र दिया जाता है, जिस क्षेत्र के लिए आपको कहा जाता है उस क्षेत्र में आप चुनाव की तैयारी कीजिए। आपको अपनी सुरक्षा को लेकर कोई चिंता होती है कि तो बहुत दुश्मन होंगे? देखिए, राजनीति में आज तक कितने लोगों की हत्याएं हुई, सबको सुरक्षा मिली हुई थी। जब ऊपर वाला जब तक नहीं चाहेगा तब तक किसी की हत्या नहीं हो सकती। जब ऊपर वाला किसी के ऊपर ठीक होता है तब ठीक है, अगर हमने गलत काम किए होंगे तो मेरी हो सकता है हत्या भी हो सकती है, अगर मैंने अच्छे काम किए होंगे तो हो सकता है ऊपर वाला हमको भी लोगों की सेवा करने के लिए जिंदा भी रखेगा। लेकिन फिर भी सुरक्षा को लेकर आप क्या एहतियात बरतते हैं, क्या सरकारी सुरक्षा आपने मांगी? देखिए, मुझे अभी तक सरकारी सुरक्षा प्राप्त थी इस गवर्नमेंट में। 11 दिसंबर 2004 तक, 4 जनवरी 2005 तक मुझको सरकारी गनर प्राप्त था। एक बार नहीं, 3-4 बार प्राप्त रहा मुझे, लेकिन कुछ राजनीतिक कारणों से मेरा गनर वापस ले लिया गया, इसलिए मुझे व्यक्तिगत सुरक्षा अपनी रखनी पड़ती है। और चूंकि आप जानते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में राजनीति करने वाले आदमी को या चर्चित आदमी को अपने राजनीति से ज़्यादा अपने सुरक्षा की चिंता होती है, लेकिन मैं उतना भी चिंतित नहीं होता हूँ। सुरक्षा अपनी जगह है, चिंतित है,
क्योंकि मुझे ये विश्वास है कि मैंने पब्लिक में ऐसा कोई गलत काम नहीं किया है जो जनता ये करे, लेकिन चूंकि राजनीति में सुरक्षा सिक्योरिटी करना कोई बुरी बात नहीं है, तो इसलिए अगर मैं अपनी सुरक्षा रखता हूं तो इसमें कोई हर्ज नहीं होना चाहिए किसी को। जी ये बताएं, छात्र राजनीति आजकल क्या गंदी हुई है, क्या उसमें देखिए जिस्सा का बढ़ावा लेके, देखिए मैं आपकी बात समझ गया पूरी इतनी बात में ही। देखिए जिनको राजनीति में मठाधीश कहा जाता है उन लोगों का सीधा दखल छात्र राजनीति में है, जो अपने उल्लू सीधे करते हैं छात्रों के जरिए से, और ये दखल मठाधीशों का दखल छात्र राजनीति में कतई नहीं होना चाहिए, इसका मैं विरोधी हूँ। छात्र राजनीति एक प्राथमिक सीढ़ी है और वो बिल्कुल पाक साफ होनी चाहिए, क्योंकि जब बच्चा शुरुआत में बेसिकली पढ़ने जाता है प्रेप या नर्सरी में, जो शिक्षा उस समय उसको प्राप्त होती है वही उसकी आखिरी तक ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन एमटेक बीटेक तक चलती है। अगर किसी आदमी की नींव ही खराब कर दी जाएगी, छात्र राजनीति में अगर मठाधीशों का दखल रहेगा तो छात्र राजनीति कभी भी पाक साफ नहीं रहेगी। लेकिन एक मठाधीश मेरे सामने बैठे हैं, उनका भी दखल रहा छात्र राजनीति में, उन्होंने भी अपने कैंडिडेट खड़े किए, उन लोगों को जिताया बाकायदा। जब तक स्टूडेंट था तब तक मैं राजनीति में छात्र राजनीति में मेरा इंटरेस्ट रहा, जिस दिन से मैंने स्टूडेंट लाइफ मेरी समाप्त हुई उस दिन से मैंने छात्र राजनीति में कभी दखल नहीं रखा। पर राजनीति में मठाधीश बनना कोई बुरा बुरी बात तो नहीं है, लोग बनते हैं और नहीं, मेरी समझ में बुरी बात है। कुछ और कहना चाहेंगे आप हमसे? मैं यही आपके जरिए से मैं थोड़ा सा संदेश देना चाहता हूं लोगों को कि राजनीति में जो लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए गलत प्रभाव का इस्तेमाल, सत्ता का और पुलिस का दुरुपयोग करते हैं, ये नहीं करना चाहिए। किसी भी अच्छे व्यक्ति को आगे बढ़ने से रोकने के लिए ये रास्ता अच्छा नहीं है। अगर किसी को इस तरह रोकना है तो उसके राजनीतिक प्रभाव को कम करिए, उसकी खामियां पब्लिक में बताइए, लेकिन किसी के ऊपर आप फर्जी मुकदमे लगा कर बंद करवा दें अपने राजनीतिक प्रभाव के इस्तेमाल से, ये बात ठीक नहीं है। लेकिन पिताजी जी शुरुआत में तो शायद कभी ना कभी आपने कुछ ऐसा कुछ किया होगा जिसकी वजह से आज लगे होंगे, उसके बाद क्या पुलिस ने जबरदस्ती डाले केस? देखिए पुलिस आज भी मेरी विरोधी नहीं है और पुलिस मुझसे कभी भी इस तरह से असहमत नहीं रही। मैं ग्राम प्रधान रहा, बराबर पुलिस दरवाजे आती है, बराबर क्षेत्र के एसओ सीओ साहब जो भी हों जो बुलाते हैं, मैं आज भी थाने जाता हूं, मैं कोई पुलिस से मुंह नहीं छिपाता हूं। लेकिन जो मेरा सवाल है वो ये है कि शुरुआत में तो जरूर आपसे कुछ गलतियां हुई होंगी जिसका बाद में जो है लंबे अरसे में पुलिस ने उसको ध्यान में रखते हुए और केसेस थोपे होंगे, चाहे वो राजनीतिक। देखिए पुलिस ने जो कुछ भी किया मेरे साथ वो राजनीतिक दबाव में किया, पुलिस ने व्यक्तिगत रूप में मैंने ऐसा कोई काम किया और ना पुलिस ने, देखिए पुलिस को सिर्फ निर्देशित करके उनको दबाव देकर उनसे गलत कराया गया, पुलिस ने जानबूझकर मेरे साथ कोई गलत काम नहीं किया। उत्तर प्रदेश और बिहार में राजनीति में पुलिस में राजनीति का इतना ज्यादा दखल है कि आगे चल के राजनीतिज्ञों को लेकर पब्लिक जूता लेकर दौड़ेगी, राजनीति करने वालों को पसंद नहीं करेगी। किसी दिन हिंदुस्तान में दो स्टेट ऐसे हैं आपके, ये इनको इनमें राजनीतिज्ञों को देखना पब्लिक पसंद नहीं करेगी। राजनीति करना तो दूर रही, राजनीतिज्ञों को देखना पब्लिक पसंद नहीं करेगी।